बताइए अग्रवाल जी, धोखा दे नहीं रहे हैं और कहाँ बेचेगा किसान? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत वो बराबर इस बात को कहते थे, मैं इसीलिए उनका नाम यहाँ पर ले रहा हूँ कि राकेश टिकैत जी के वो पूज्य पिताजी थे, वो कहते थे दुनिया में प्रत्येक उत्पादक को अपने उत्पाद का दाम तय करने का हक है, किसान को नहीं है। और बराबर इस बात का आग्रह करते हैं, उसके लिए आंदोलन चलाए उन्होंने। और इस जो पहला कानून है उसके माध्यम से किसान को ये आज़ादी दी गई है कि वह मंडी के बाहर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है, कहीं भी बेचे वो। कहाँ बेचेगा? कहीं भी, एनीवेयर। तो पूछ रहे हैं, पूरे देश के, पूरे देश के अंदर कहीं भी। और उसके बाद भी यदि उसको एपीएमसी में बेचना है तो कोई बंदिश नहीं है, उसको ऑप्शन दिया गया है, उसको विकल्प दिया गया है। एपीएमसी आज भी चल रही है, हापुड़ के अंदर चल रही है, मेरठ के अंदर चल रही है, यानी सब जगह चल रही है। अब ये कहाँ का उदाहरण देते हैं वो, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन पूरी तरीके से एपीएमसी के बंधन से मुक्त करके बाबा टिकैत इस बात को कहते थे। और आपको इस बात में ध्यान दिलाऊं कि जब ये कानून बने, मैं राकेश जी ने उसका समर्थन किया था उसका पहली बार, तो फिर बाद में क्या हुआ कोई बात नहीं, बता दीजिएगा कोई, उसके बाद क्या हुआ राकेश जी बताएंगे, परंतु पहले उन्होंने कहा कि हाँ भाई बाबा टिकैत की उनकी इच्छा पूरी हुई और किसान को अपने उत्पाद का अपनी इच्छा से बार्गेनिंग करके दाम तय करने का हक है, ये मिल गया। बहुत राकेश जी ने समर्थन किया, मैंने ये कहा है, फिर सुन लो, एक पूरे सरकार के पास में एक हिंदुस्तान पेपर की एक कटिंग है, जब प्रेस वाले ने पूछा उसने अपना जवाब दे दिया है सबको, वो जरूर ले लेना चाहिए सांसद जी। उस टाइम पे दो क्वेश्चन थे, एक ये था कि इसका आप समर्थन करते हैं क्या, हमने कहा कि हम प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे, प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कैंपेन, हम किसानों को भी उस कैंपेन से जोड़ दिया जाए तो हम भी प्रधानमंत्री का समर्थन कर देंगे। न तो वे बात समझने वाले रहे, इस तरह के ही पत्रकार हो गए, ऐसे ही हो गए, और सारी चीज़ें एक खबर में उन्होंने लगा दी, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। हम आज भी कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर झूठ बोल का है, उन्होंने कहा कि हमने सारे देश को डिजिटल कर दिया, किसान तो डिजिटल हुआ नहीं जी, आप हमको भी कर दो डिजिटल, हम अपनी फसल बेचें, गन्ना सारी चीज़ बेचें, और हमारे खाते में भी जैसे तेल कटता है हमारे अकाउंट से, ऐसे ही हमारे खाते में पैसा चल जाए, जब किसान अपने घर पर चले जाए वहाँ चले जाए। आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा उसको कर दो, आपने एमएसपी पे C2+50 वाला फार्मूला करा उसको लागू कर दो, आपने अपने घोषणा पत्र में जो कहा जनता को बहका के आपने वोट ली आप वो कर दो, आप एक बात तो कर दो ना कि देश की जनता को क्या कहोगे। आप ही के मंत्री ये कह रहे जी, हमने तो ये कह रहे कि फर्टिलाइजर भी हम एक बैग के साथ में एक बैग फ्री दे रहे, जनता को झूठ से मत बहकाओ। एमएसपी पे कहीं खरीद नहीं हो रही चावल, क्या आम जनता को जो ये शहर में जो लोग हमारे रह रहे हैं क्या इनको 8 रुपये किलो चावल मिलता है, किसान का 8 रुपये किलो बिकता है, क्या इनको 11 रुपये किलो गेहूं का आटा मिलता है? तो बिचौलिए ही तो हटाने थे ना टिकैत साहब, बिचौलिए तो हटा, 10-10 साल से आपके घर पर जाकर हम लोगों ने वहां पर शोज किए, आप शुरू में यही कहते थे बिचौलियों को हटाना है, बिचौलियों को हर हाल में हटाना है, अब जब हटाना जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी भी हमें फिक्र है। ये कह रहा नहीं ना आप, हम बेचे कहां वो जगह तो बता दो ना, जगह कोई नहीं बता रहा, कह रहे हैं एनीवेयर, पता नहीं एनीवेयर बताएंगे, अगर बताओ ना जगह बताओ, कहीं भी, मैं कह रहा हूं ना कहीं भी, हां कहीं पे भी, स्थिति ये थी, किसान फसल लेके कहां निकल जाए, किसी भी जगह जा सकता है, कोई भी खरीदार उससे हो सकता है। आप देखिए स्थिति ये थी, मंडी में यदि कोई सामान न बेचे, बाहर बेच दे किसी को, कोई अपना गाड़ी में लेकर के गेहूं गया या ट्रैक्टर में लेकर के गेहूं गया, किसी को दे दिया, मंडी वाले आ जाते थे, हमको शुल्क दो, अपना शुल्क देना पड़ता था उसको, और शुल्क की नहीं लेते थे, दंड भी उसके ऊपर लगाते थे। चलिए दूसरे, अभी एक साल पहले तक दूसरे कानून पर आते हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी पर भी हमने जगह बताई कि कहां बिकेगा, वहां पे आप लोग नहीं आने देते, हमको पता है जगह बताएं, जगह बताएं कहां है, हमको फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी डरा रहे हो कि किसान की जमीन चली जाएगी, कैसे क्यों चली जाएगी? हिमाचल में अभी तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो फसल का हो रहा, हिमाचल में सेब का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा किसान, सरकार ने तो 16 रुपया सस्ता करा नहीं, ना आम जनता को 16 रुपया सस्ता मिला, एक बड़ी कंपनी आई
जिसने 11 साल पहले जो रेट था सेब का, उसी रेट को फिर कहा कि इस रेट में मैं खरीदूंगा, और 16 रुपया एक ही दिन में ड्राम कर दिया, क्योंकि वो बल्क में खरीदेगा, उसको स्टोर करेगा, और जब किसान की फसल आएगी 80,000 पेटियां सेब की अडानी ने मार्केट में 5 दिन में निकाल ली, मार्केट को डाउन करा और फिर कह दिया कि रेट मार्केट में अब ये हो गया है, मैं 16 रुपया सस्ता सेब खरीदूंगा। आप जाओ एक बार हिमाचल में।